हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियान टेक्निकल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे, जैसे कि रमज़ान आने वाला है 10 दिन बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान की एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। यानी कि कैलेंडर देख सकते हैं आप इस ऐप में, और इसमें आप टाइमिंग देख सकते हैं कब जो है सहरी होनी है और कब जो है अफ्तार होना है रोज़ा, तो वो सब कुछ आप जो है डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर तलावत वगैरह भी सुन सकते हैं। पूरा कुरान यहाँ पर जो है हमने जो है दिया हुआ है। ये मेरी ही एप्लीकेशन है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो जो है आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है 30+ सिटीज़ एड्स की हुई हैं यहाँ पर, और ये देखें आप बिल्कुल सेम इस तरह की ऐप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप इसको प्लीज़ इंस्टॉल करें, ये बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। और जैसे कि देखें, ये काफ़ी सिटीज़ हैं, टॉप सिटीज़ हैं। उसके अलावा ये देखें, ये ऊपर एक बटन आ जाता है और ये सारी जो है आप देख सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी विदाउट कोडिंग, कोई कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जाना है अगर app.thinkable.com पर, और इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ रमजान कैलेंडर डेमो, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। और ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है सारा ये लेआउट खुल जाएगा, तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको नीचे इधर लिख देता हूँ रमजान। और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है बटन्स लगाने पड़ेंगे, अगर आपने ऊपर कुछ लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं। तो बटन लगा लेता हूँ पहले। उससे पहले बटन लगाने से पहले हमें एक हॉरिजेंटल लेना पड़ेगा ये, उसके बाद बटन, बटन 1 2। मैं अभी तीन ही बटन लगा रहा हूँ, ना कि तीन शहर। आप जो जितने भी शहर आपने करने हैं आप जो है रख सकते हैं, 50 100 जितने भी आपने करने हैं, लेकिन ज़रा टाइम लगना है तो वो जो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज़रा बटन पर स्पेस देनी है, और यहाँ पर हमने कर देनी है इसकी विड्थ 1% और हाइट भी कर दें 1%। अब जो है इसका बटन हम रख देते हैं लाहौर, उसके बाद कराची। आप काफ़ी शहर ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ जो है तीन ही ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद कर लेते हैं। बटन का कलर अगर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि इधर ये रख देता हूँ मैं येलो, ये टेक्स्ट का कलर हो गया, टेक्स्ट का तो मैं ब्लैक ही रखता हूँ डिफॉल्ट। बटन का ऊपर मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ। अब मैं जो स्क्रीन पे यहाँ पे ब्लॉक्स पे जाना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है ऐड भी लगा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल पर जाके ये एक इंटरस्टिशियल बैनर ऐड होगी और एक जो है इंटरस्टिशियल एड्स होगी, और इसको टेस्ट मोड से अनचेक कर देना है। अगर आप चाहते हैं इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं तो वो जो है ला सकते हैं 80। अब जाएंगे हम ब्लॉक्स पर, और यहाँ पर जब बटन स्क्रीन 1 खुलेगी तो क्या होगा, हमारा जो है ऐड आएगी। ऐड आने के बाद दूसरी इंटरस्टिशियल ऐड, अभी मैं ऐड का कोड नहीं लगा रहा, आप चाहे तो वो लगा सकते हैं, वो अभी ऐड जाने की मेरी नहीं आएंगी। जब बटन 1 पर क्लिक होगा तो क्या होगा, बटन स्क्रीन 2 ओपन होगी, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन 2 ओपन होगी, ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम लाहौर। इस तरह से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ तीनों को, जितने भी हमारे बटन हैं, और ये बटन 2, ये बटन 3। यहाँ पर ऐड स्क्रीन करना है, और जो बटन 1 पे हमारा नाम था उसका नाम रख देंगे हम लाहौर। जैसे जो है वेब व्यू ले सकते हैं,
मैं वो दिखाता हूँ। वेब व्यूवर ये होगा कि वेब व्यूवर्स ये होगा कि आपका जो वेबसाइट है ना उसका आप जो यहाँ पर लिंक कर देंगे और आपको वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने कोई इमेज वगैरह लगानी है तो इमेज लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, कोई गूगल पर जाए और यहाँ पर लिखे रमजान 2018 कैलेंडर, और कोई जो भी आपको जो है अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं इमेजेस में जाकर या फिर कोई वेबसाइट पर जाकर। तो ये सारा जो है लाहौर का आ गया है और आप जो है इसको इमेज को सेव कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेनी है। यहाँ पर जाएं कैप्चर एंड सिलेक्शन और यहाँ पर जाके इस तरह करके जो है आप ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसका ही कर रहा हूँ, सेव इमेज कर लें, इसके बाद सेव इमेज कर लें इधर, और आप जो इस तरह बाकी होगा भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसका ही कर रहा हूँ लाहौर का ही। तो इसकी इमेज हमने ली है तो इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से देंगे इमेज पर। इमेज पर जाने के बाद जो है इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये जो है आपके पास आ जाएगा और आप जो है इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर मैं टेस्ट से आपको जो है थिंकेबल की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी मैंने इन दोनों बटन को नहीं किया तो ये याद रखिए आपने जो है इसको कर लेना है। अभी इसलिए मैंने लाहौर वाले बटन को ही सेलेक्ट किया है। तो अब जो है हम टेस्ट करते हैं गो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेता हूँ स्कैन QR कोड करके, और यहाँ पर हम अब करते हैं इसको थिंकेबल लाइव। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको स्कैन कर लेते हैं। तो ये जो है स्कैन हो गया है और इसको जो है एंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी और ये देखें फोन आ गया है यहाँ पर। तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं। इस तरह से आप जो है और भी काफ़ी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ लाहौर का बटन किया था तो लाहौर के बटन पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें एक ऐड भी आ जाती है हमारी, और यहाँ पर देखिए सारा जो है कैलेंडर भी हमारा आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी रमज़ान की ऐप बना सकते हैं, और आप ज़रा जो है इसको और अच्छा तरीका करके तो और भी अच्छे जो आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस तरह से अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी देखनी है और भी वीडियो एंड्रॉयड स्टूडियो से कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं कोडिंग करके या फिर इस तरह से, तो आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।